तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने रीटोपो कराए थे जो कि एरर हो गया था, तो मैंने अलग से फिर से बनाया जिसमें मैंने कुछ ऐसे बनाया जो कि वन दबाओगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, लो पॉली टाइप, और जब मैंने उसे थ्री दबाया तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगा। तो ये मैंने पिछली बार बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कमी है जैसे कि आंखों की। तो मैं क्या करूंगा, जटायु हाय को हाइड करूंगा और पहले इसको आंखें लगा लेते हैं। तो कैसे लगाएंगे, एक सर्कल, कोई भी एक व्यू ले लो, साइड व्यू वगैरह, सर्कल बनाओ, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फ्रंट व्यू पे ऐसे कुछ। अब थोड़े से प्रॉब्लम वगैरह लग सकते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा रोटेट करके एडजस्ट कर लो। तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, वर्टेक्स, ऑपोजिट भी सिलेक्ट हो रहे हैं। करना ही पड़ेगा ना। हाँ बात तो सही है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिमेट्रिक एक्स कर देता हूँ जिसकी मदद से मैं यहाँ का कुछ करूँ तो वाकई खुद ब खुद हो जाए। तो जैसे कि ये दो पॉइंट्स को थोड़ा सा बाहर लूँगा, आँखों के लिए एडजस्टमेंट्स करूँगा। ऐसे कुछ मैंने करवा लिया, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा बच गया। ठीक है, फिर भी पहले से बेहतर है। फिर मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिक बंद करता हूँ, आईबॉल को सिलेक्ट करता हूँ और मिरर करता हूँ, करेक्ट, और सबको सिलेक्ट करके कंबाइन करता हूँ, और कंबाइन के साथ राइट क्लिक करके एजेस सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक एंड सॉफ्ट कर देता हूँ। सॉफ्ट क्यों कर रहा हूँ कि बाद में हम लोग को जब टेक्सचर वगैरह हो जाए तो थोड़ा अच्छा दिखे। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं भी करो तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है। फिर मेरा जो हाई पॉली है वो भी ऑन करता हूँ। हाँ दोनों मेरे पास प्रॉपर मॉडल्स है, मैं हिस्ट्री क्लीन कर देता हूँ कि मेरे पास कुछ बाकी ना रहे। जैसे कि ये देखोगे ये कुछ काम का नहीं है मेरा, बहुत कुछ काम का था ये वाला है शायद से, जटायु लो ये भी काम का था, तो वेस्ट क्या है। जैसे कि ये हाई है मेरा, हाइड करता हूँ, मैंने हिस्ट्री क्लीन की तो आंखें कैसे हाइड हो गई। अंडू करता हूं, आंखें वापस गायब हो गई। हाई को हाइड करता हूं, सबको सिलेक्ट, एक ही बता रहा है, ओके कंबाइंड है, हिस्ट्री क्लीन, हाँ अब प्रॉपर है एक, और ये मेरा हाई। इनको नाम दे दो प्रॉपर कि बाद में इशू ना हो। जैसे कि जब आप सब्सटेंस ओपन करोगे, सब्सटेंस में जब बेक किया जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि आपको नाम प्रॉपर देना है। जैसे कि मैंने क्या दिया है, जटायु हमारे कैरेक्टर का नाम और अंडरस्कोर हाय, वैसे ही
ये जो है वो मेरा लो है, तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर बॉक्स पे आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करके सेम नाम, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए वरना वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक न्यू वर्जन में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा। और यहाँ पर भी लो करेक्ट, तो देखोगे मेरे पास दो है। फाइल को सेव कर लो, दोनों का एक्सपोर्ट निकालो, जैसे कि इसका भी एक्सपोर्ट निकालो और इसका भी एक्सपोर्ट निकालो। तो सिलेक्ट ओ अनव्रैप, तो यूवी एडिटिंग में आता हूँ, देखोगे मेरा अनव्रैप्ड है पहले से, सिर्फ दो चीज़ें अनव्रैप्ड नहीं है, आंखें जो अभी हम लोग ने लगाई। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टेक्स डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखोगे ये एक आंख है, दोनों आंख वही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, अनफोल्ड करके छोड़ रहा हूँ। ओके, दोनों जॉइंट बता रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ओके एक इश्यू हो गया शायद से। हाँ ये देखो आंखें जो है वो मिरर हो चुकी है, ये देखो चिपक चुकी है। जब हम लोग मिरर करते हैं तब ये होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर हम लोग ने ध्यान नहीं दिए। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी मुझे पीछे के फेसेस की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 ऐसा भी मैं रख सकता हूँ, क्योंकि घुमाते वक्त तो उतनी आग घूमने वाली है, पूरी नहीं घूमने वाली। तो ऐसे करता हूँ, ऑब्जेक्ट वर्टेक्स डबल क्लिक क्रिएट प्लेनर, नहीं हो रहा है। और मैं अभी पूरे ऑब्जेक्ट पे भी प्लेनर नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे। तो मैं डबल क्लिक करके प्लेनर करूँगा, क्योंकि वरना मेरा पूरा का पूरा मैश चला जाएगा, इसलिए मैं कुछ इस हिसाब से कर रहा हूँ। हो गया, और फिर यूवी को अनव्रैप करेंगे प्रॉपर, सबको सिलेक्ट करूँगा और अनफोल्ड एक बार, और लेआउट यूवी हो गया, आंखें भी आ गई करेक्ट। अब एक्सपोर्ट करेंगे। अब ध्यान रहे दोनों का अनव्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, लो पॉली का ही अनव्रैप करना है, हाई पॉली का नहीं करना है, वरना आप हाई पॉली का करते बैठोगे तो आई थिंक मर भी सकते हो। तो कंट्रोल वन करके मैं बाहर आऊँगा, ये मेरा लो पॉली है। तो फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा मैं जहाँ हम लोग ने सेव किए होंगे, जी ब्रश के अंदर, यहाँ पर पहले से है, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैं एक न्यू फोल्डर या फिर एसेट्स के अंदर यहाँ पर मैं नाम डालूँगा जटायु अंडरस्कोर लो, क्योंकि मैंने लो वाला चूज किया है, लो का एल कैपिटल रख स्मॉल रख रहा हूँ। हो गया एक्सपोर्ट, उसी तरह ये वाला हाय फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, जटायु लो के ऊपर ही क्लिक करूँगा डायरेक्टली, हाय एक्सपोर्ट सिलेक्शन, हाय का देखोगे मैंने कुछ नहीं किया हुआ। तो ये दोनों सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, और पीसी थोड़ा क्रैश ना हो इसलिए बंद कर रहा हूँ मैं, अब क्लोज कर रहा हूँ। अब वही फर्स्ट लेक्चर जो सब्सटेंस का देखे होंगे वैसे ही करना है। फाइल न्यू पीबीआर मेटेलिक रफनेस सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट करना है लो वाला, तो जी ब्रश एसेट्स लो, जिसका यूवी मेरे पास अनव्रैप्ड है, ओपन। यहाँ से मैं सब ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि मुझे टेंजेंट्स मर्ज नहीं करवाने हैं, ना मुझे यूवी टाइल वर्कफ्लो यहाँ का चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करते हो तो भी वही आने वाला है, नहीं करोगे तो भी वही आना है। कैमरा वगैरह मुझे कुछ नहीं लेना है, ऑटो अनव्रैप नहीं करवाना है, सिंपली ओके करता हूँ, जैसा मॉडल रहेगा वैसा आ जाएगा, करेक्ट है। सर हाई पॉली मॉडल लेकर ऑटो अनव्रैप कर देंगे इसमें तो होता है ना? ऑटो अनव्रैप करो ट्राई, पीसी जिंदा रहा तो आपकी मर्जी।
नहीं मतलब ऐसा होता रहेगा। करो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, आपके कुछ डाउट्स आते तो करके देखो, क्योंकि इसको ही इतना टाइम लेता है वो इम्पोर्ट करने के लिए। आप बोल रहे हाई पॉली, ये कुछ 50,000 भी नहीं रहेंगे पॉलीस, हाई पॉली मिलियंस तक जाते हैं, तो करके देख लो आपके ऊपर है। इसके चक्कर में मैंने क्वालिटी भी चेक नहीं की, तो मैं यहाँ पर टेक्सचर सेटिंग में आऊँगा नीचे, क्वालिटी 1024 पर है मेरी। अब इसे बेक करना है, बेक किसके साथ करना है, हाई पॉली के साथ। तो मोड पे जाता हूँ मैं, मोड पे नहीं है, एडिट बेक मैश मैप्स, जो न्यू वर्जन है उसमें मोड अलग से आया है बेक मैश मैप का, तो वो वाला यूज़ करो तो मैं आपको अच्छा कहूँगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है। वो वाला इजी है, सेटिंग सेम है लेकिन उसमें प्रीव्यू दिखाता है क्या हो रहा है, इसमें नहीं दिखाता है। तो ओपन करो, क्वालिटी क्या लिए थे, 1024 लिए थे, 1024 लो। एक्सपोर्टिंग के टाइम भी बढ़ा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही रहे। फिर डिफ्यूजन ऑन रखना है, क्योंकि वो पूरे मॉडल को डिफ्यूज कर देगा, या मतलब कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, जैसे हमारा बाहर का मॉडल है वैसा। हाई पॉली यहाँ पर नॉर्मल मुझे चाहिए, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल कुछ लिखा हुआ है, एम्बेंट ऑक्लूजन, कर्वेचर। आईडी, आईडी कब यूज करते हैं, जब आप मल्टीपल मटेरियल्स यूज करते हो, तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा, वेस्ट होगा टाइम, बाकी सब मैं ऑन ही रख रहा हूँ। रिटर्न यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज लो पॉली मैश एज ए हाई पॉली, नहीं मैंने हाई पॉली मेरे खुद से बनाया हुआ है, तो हाई पॉली का यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट वही लोकेशन पे आ गया हूँ, तो डायरेक्ट हाई पे जाता हूँ एंड ओपन करता हूँ, वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर नीचे आओ, यहाँ पर ये सेटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो मैंने मॉडल बनाया उसके बाल जो है वो बाहर भी जा रहे हैं, और उसकी कुछ कुछ चीज़ें आई थिंक जो अंदर भी जा रही है, जैसे कि हम लोग ने वो ऐसे कुछ मार्किंग्स बनाए थे मॉडल के वगैरह, तो वो स्किन के अंदर जा रहा है और कुछ चीज़ें वो स्किन के बाहर आ रहे हैं। तो जो न्यूअर वर्जन है उसमें अगर आप यहाँ पर कुछ बढ़ाओगे तो वहाँ पर दिखाता है कि वो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वो हम लोग के पास अंदाजा लगाने के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मार्किंग है वो मैं कुछ रखूंगा 0.85, अपने हिसाब से रख रहा हूँ, गलत हुआ तो रिटर्न आकर रिटर्न भी कर सकते हो। और अंदर की तरफ कितना जाना चाहिए, अंदर मैंने मार्किंग्स कुछ ज़्यादा नहीं रखे थे, कम ही रखे थे, लेकिन ये जो पार्ट मैंने बनाया था वो बाल जो थे वो अंदर भी बहुत जा रहे थे, तो ये भी समझ लो मैं 500 तक रख देता हूँ, 0.8585 दोनों रख देते हैं, 9085, ठीक है। फिर नीचे आओ, एंटी अलाइजिंग, ये क्या करता है कि जो पिक्सलेट वगैरह होने वाला है उसे वो क्वालिटी अच्छी देता है, तो मैं नॉर्मली इसे 2x2 रखता हूँ, आप 4x4 रख सकते हो, लेकिन 8x8 पर मत जाना, उतना वो हैवी हो जाएगा। मैच क्या करना है, लो और हाई जो कि मैंने नामों में दिया था, करेक्ट है। आप यहाँ से बाय मैश नेम भी कर सकते हो कि वो मैश से करेगा, तो ऑलवेज रखोगे तो कैसा है, कभी गलती भी हो गई तो भी वो मैनेज कर लेता है। फिर नीचे आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स क्लिक कर दो और आपका टेक्सचर उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप पेन टैब भी यूज कर सकते हो टेक्सचरिंग के वक्त, जो कि मैं माउस से कर रहा हूं तो मुझे पता है इतना अच्छा नहीं आएगा, एंड ओके कर दो। तो देखोगे ये मेरा मॉडल जो है वो लो पॉली है, लेकिन उसके ऊपर जो कलाकृति हुई है वो हाई पॉली की हुई है, देखो लो पॉली के निशान आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, किसी को कुछ पता है क्यों आ रहा है लो पॉली के निशान्स क्यों आ रहे हैं? वो एजेस है, और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी, नहीं हाँ सॉफ्टवेयर नहीं था प्रॉपर। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न माया में जाऊँगा, उस मॉडल को सॉफ्टन करूंगा और फिर उसे रिटर्न एक्सपोर्ट करूंगा FBX में, करेक्ट। ये मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम पता चले, और एक किया था मैंने कि ये अंदर कितना जाना चाहिए, ये देखो एक सॉफ्ट है पूरा, लेकिन देखने के लिए लगता है कि वो वाह अंदर गया,
है, ठीक है, फिर भी नॉर्मल है। तो रिटर्न माया पे आता हूँ, रीटोपो पे जाता हूँ, और यहाँ पर इसके ऊपर कंट्रोल वन, राइट क्लिक, एजेस सिलेक्ट एंड सॉफ्टन एजेस। हाँ, थ्री दबा के मत देखना, क्योंकि थ्री दबाओगे तो वो सिर्फ एक प्रीव्यू होता है, वो आउटपुट नहीं होता। हाँ, फिर रिटर्न इसको एक्सपोर्ट सिलेक्ट फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और रिटर्न अपने लोकेशन पे जाएंगे। लो को मैं रिप्लेस करूँगा, हो गया रिप्लेस। यहाँ पर आता हूँ, शायद से यहाँ पर नहीं होगा, तो मुझे रिटर्न न्यू ही लेना पड़ेगा। सिलेक्ट लो ओपन, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया मैंने, ओके डिस्कार्ड। देखो अभी सॉफ्ट हो गया है पूरा। रिटर्न एडिट बेक मैश मैप्स आईडी में बंद करूंगा, जो कि हम लोग फटाफट करेंगे। डबल क्लिक यहाँ पर 1024, यहाँ पर क्लिक हाई पॉली ओपन, नीचे आऊँगा 0.8। हाँ, अगर आप वैल्यू से ज़्यादा करते हो तो क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं वैल्यू से ज़्यादा करता हूँ और करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कम रखता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर है, एंड बेक करता हूँ। ये देखो, ये है कि ये जो पूंछ है उसका जो मैंने डायमीटर दिया था 2.0 कुछ, जो कि उसके भारी का इलाका था, भार का, कि वो भार का कितना पार्ट लेना चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो जो पूंछ थी वो उसने वहां पर कोलाइड कर ली और वहां पर उस टेक्सचर को डाल दिया। तो ये चीज ध्यान रहे कि ओवर भी मत रखो और ज़्यादा कम भी मत रखो। तो मेरा जो 0.8 था वो नॉर्मल प्रॉपर था। रिटर्न नीचे आऊँगा, अप्लाई डिफ्यूजन अप्लाई डिफ्यूजन ऑन रखो, बेक सिलेक्टेड मैश। तो आपका लो पॉली टू हाई पॉली क्रिएट हो जाएगा। समझे गलती क्या थी? अगर ओपन मॉडल है तो टेंशन नहीं होता, लेकिन अगर कुछ नजदीक आ रहा है, जैसे कि अगर मैं ज्यादा भी करूं तो ये जो पैर का पार्ट है वो भी एक दूसरे को कोलाइड हो सकता है, अगर मैं उसका एरिया को जितना इतना बढ़ा दूं तो। ये आ गया यहाँ पर, प्रॉपर है, उसके यूवीज भी है, ये आंख है, ये आंख है, बाकी पूरा एक सिंगल मॉडल है। लेकिन ये जो भी मॉडल आया है वो हम लोग नॉर्मली पूरा टेक्सचर आपको पेंट ब्रश से ही करना पड़ता है, ये चीज ध्यान रहे। आप लोग कोई भी टेक्सचर उठाकर नहीं डाल सकते। टेक्सचर्स हैं वैसे भी, जैसे कि स्किन अगर मैं डालू तो यहाँ पर आपको मटेरियल्स आ जाएंगे, क्रीचर स्किन ब्लू वाला, तो ब्लू वाला उठाकर डाल दिया, ये ट्रांसपेरेंट है तो ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। वो क्रीचर्स के ऊपर भी है, वो पानी का रहेगा शायद से। ये होने के बाद आंखें जो है आंखों को अलग दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर वापस लेयर्स पे आ जाओ। आईबॉल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर क्रोम पे, या फिर जो भी ब्राउजर है आपके पास, क्रीचर आइस इमेजेस, इसमें से कोई भी एक क्रीचर की आंख जो स्ट्रेट हो वो मुझे चाहिए। तो ये देखो, ये भी है अपने पास। इसके ऊपर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि शेडो एंड लाइट्स भी आए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। स्केच तो ये मैं सेव इमेजेस करूंगा, डाउनलोड्स में सेव करूंगा, पहले ट्राई करते हैं अगर वेब फाइल डायरेक्ट आती होगी तो। हर बार कुछ कुछ नया करता ही रहना चाहिए। तो इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर डालूंगा,
यहाँ से मैं बोलूँगा कि मुझे टेक्सचर चाहिए करंट सेशन के लिए, इंपोर्ट आ गया, उठाकर मैं डाल दूंगा बेस कलर के नाम पे, आ गया, रोटेट करूंगा, हाय अपने गूगल ज्यादा ब्लर भी है। ब्लर है पूरा क्वालिटी इमेज। फिर भी इतना खास नहीं है, लेकिन फिलहाल चलेगा। कॉपी पेस्ट करूंगा, तो ऐसा एलिमेंट करने नीचे देख रहा है। नहीं चकना ऐसा कुछ सिमेट्री से नहीं होगा सिमेट्री से होगा, लेकिन वो इमेज था ना, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। जैसे कि सिमेट्री का ऑप्शन हमारे पास आ गया। ये नहीं 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 सारे कोई डिफरेंट पर सर यूवी वेग है ना आपका सिमेट्री में होगा यूवी वेगी ना है, सेम है यूवी, मंजिल पे है यूवी पे लेफ्ट टू राइट सेम है, ये उड़ा प्रॉब्लम ना है ना। सिर्फ प्रॉब्लम आएगा तो किसको आएगा, ये बालों के लिए आएगा, क्योंकि बाल हम लोग ने गलत बनाए थे, बाकी हमारा पूरा सेम ही था। उसके बाद जैसे कि मैं एक यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर गोल्ड लिखता हूँ। मतलब अपने पास अगर पूरा मॉडल का था बेस शेप भी रहेगा तो भी हो जाता है भाई तो हाँ, गोल्डन बॉक्स स्टैचू डाला ट्रॉफी स्टैचू रेडी। इसको मैं ऐड ब्लैक मास करूंगा अपने मर्जी के हिसाब से। इसकी थोड़ी सी शार्पनेस, गए भाई तो ये सब आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। पूरा गोल्ड नहीं, सिर्फ चोज सोने की रहेगी। पानी के डर से चोट अब जो नीचे का पार्ट है वो मैं क्या करूंगा, ब्रश जो है वो एक्स दबा दूंगा कि मेरा खुद ब खुद ब्रश चेंज हो जाएगा। और इससे एक प्रॉब्लम है, नहीं बराबर है ऐसे कुछ, ये देखो। फिर एक और न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से मैं लेता हूँ एक नॉर्मल, या फिर एक एड लेयर करता हूँ। एड लेयर करने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ, मुझे कलर चाहिए, हाइट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मेटल का तो पक्षी पूरा बनाऊंगा नहीं मैं। हाँ, तो यहाँ पर क्लिक करके पहले यहाँ से भी बरकत भी ऐसे जगह ही फिर रिटर्न यहाँ पर आऊंगा, आई ड्रॉपर पे क्लिक करूंगा, इस कलर पे क्लिक करूंगा, वापस उस कलर पे जाऊंगा, उसका थोड़ा सा डार्क शेड लूंगा, उसी के साथ यहाँ पर रिटर्न ब्रश पे आऊंगा, और यहाँ पर ब्रशेस पे कोई भी जैसे कि शेड्स वगैरह ये कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा है मुझे। मार के देखो तो साइज वगैरह एडजस्ट करो, आईब्रोज डार्क चाहिए मुझे, लेकिन ध्यान रहे अगर आप ज्यादा ओवरलैप करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो लास्ट में जाकर पूरा एक नॉर्मल ही बनना है, क्योंकि देखोगे अगर ये देखो, क्योंकि वो ओवरलैप हो के वैसे ही होगा। हाँ, सपाट हो जाता है। फिर जहाँ जहाँ पर
डार्क शेड, लाइट शेड, हाईलाइट्स, जैसे कि इसके ऊपर ही क्लिक करके आप ऊपर आ सकते हो लाइट शेड्स के लिए, उसके अंडू ब्रश की साइज थोड़ी और छोटी, और जहाँ पर उसकी हाइट्स है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है मॉडल वो प्लेन है, तो आपको अंदाजे से अपने हिसाब से उसके हाइलाइट्स वगैरह एडजस्ट करने पड़ेंगे। उसी के साथ आप यहाँ पर ओपेसिटी के साथ भी थोड़ा सा खेल सकते हो, और अगर ज़्यादा खेलना है तो अलग अलग लेयर्स पर करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। हाँ कान देखो, दिखने के लिए कैसा लगा दूर से कि है, लेकिन सामने आके लेकिन अगर मॉडल आपका प्रॉपर रहता है ना डेप्थ वगैरह, तो एक ही टेक्सचर में देखोगे उसने डेप्थ वगैरह खुद ही ले लिया, आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और सेकंड चीज, हमारा जो सिमेट्रिक था वो कहाँ था, ये वाला ये देखो, वो तो करना ही पड़ता है। अलग अलग ब्रशेस भी ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही ब्रश के साथ पूरा। इसलिए मैंने माउस के साथ मैं दिखा रहा हूं। और इसके ऊपर भी बाद में अगर चाहिए, आप कुछ भूल गए हो वगैरह, तो छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक न्यू लेयर बना ली, उसमें सिर्फ हाइट मैप दिया, फिर हाइट कितनी अंदर जानी चाहिए, और फिर रिटर्न अपने ब्रश पे आ गया, बेसिक हार्ड इसको मास्क कर दिया, और फिर वही चीजें जो आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो, जैसे कि थोड़ी साइज कम, सॉफ्टनेस मैंने सॉफ्टनेस रखा ही नहीं, फिर सॉफ्ट ये मुंह वाला पार्ट है जो फिर कुछ कुछ चीजें आप डिटेलिंग वाली यहाँ पर भी कर सकते हो। फाइटर ये पंखी नहीं है बस शाही पेंसी तो सच्ची में गोल्ड कर दो उसे स्टैच्यू आर्ट कर स्टैच्यू ऑफ रेसिडेंट सब बंद करके ट्राई भी कर सकते हो वापस से, अगर गोल्ड ही चाहिए पूरा तो। अभी देखते, हाइट देना पड़ेगा हम लोगों को फिर भी। हाँ सोना ही लो, गोल्ड आर्मर, स्टैच्यू ऑफ रेसिडेंट और यहाँ पर उसकी हाइट ऑन करूंगा, जिसको थोड़ा ऊपर लूंगा, लेकिन हाइट ज्यादा हो गई है तो हाइट पे जाऊंगा, हाइट कम करूँ, तो ये सब आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए। मैं फिलहाल गोल्ड को डिलीट करूंगा। पंखी नहीं हो पंछी की इस बात का नहीं तो बड़ा चटाएगा
तो आपके हिसाब से आपको जहाँ पर टेक्सचर्स वगैरह देने हैं, जैसे कि इसके नाखून पार्ट है, तो मैं ऊपर आऊँगा, ये गोल्ड वाला है, तो हमारे पंछी के जो नाखून रहेंगे वो भी सोने के रहेंगे। बेटर लड़ाई न्यूटन सिमेट्रिक था इसलिए अच्छा था। हाँ लेकिन कम इसमें भी देखोगे फाइल हैवी है। ज्यादा घुमानी हो पर तो अब खुशा तमाम कुछ भी लोग ने तो ऑन पब्लिक डिमांड, ये कहाँ से आ गया? बैटरी के लाइन सिमटेड रही तो क्या फील करते हैं छपरी भर रहे का बाल सो करे करे बच्चे छोड़िए तेरा ओवन गोल्डन मुंह पे सिल्वर कर फर को ग्रीन कर दो ऐसा हो फर को ग्रीन हो ऐसा हो हरा पीला पीला उसको लाल कलर दे दो सर को कलर मत बताओ तुम ब्लॉट मैं किधर हूँ तो कलर क्यों बता रहे सर को किधर कलर बता तो मैं इसके ऊपर और भी क्या दे सकते हैं। मैक्सिमम काम जो है ना वो ब्रश से ही होने वाले आप लोगों के, और कुछ नहीं, ये सिंपल सी चीज़ है। और डिटेलिंग का काम आपका वो हाईलाइट एंड शेडोज टाइप आप स्किन का दे सकते हो। इसके ऊपर आता हूँ वापस से और रिटर्न थोड़ा सा। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि टाके वगैरह पड़े, हाँ ओके तो वो भी अपन सर्च कर सकते। हाँ सिमेट्री में पंखा इमेजेस है ऐसे सब बराबर पीएनजी को चक्कर आ जाएंगे PNG। ठीक है मैं इधर लगा हुआ हूँ पूरा कुरला का पंछी बन रहा है फाड़ दिया भाई ने आज इधर पे मेरे को एक बंदा और भाई ने इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, HTML फाइल है। हाँ सो चालू करूँ बगैर ना सर इमेज ट्रांसफर में ओपन नहीं होते थे वेबसाइट पर पाठ होते। भाई साहब टेक्सचर अल्फा वाला ब्लैक एंड व्हाइट लगता। ओके टेक्सचर मध्ये है ना हाँ अल्फा के अब हम ब्लैक एंड व्हाइट हंसते। अल्फा वाला मैं सब करंट सेशन ही रख रहा हूँ क्योंकि हाँ बाद में नहीं चाहिए ये सब। भाई ऊपर लगा लीवर किडनी ये दिखा है और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। फिल करोगे तो पूरे बॉडी पे आ जाएगा वो, ये देखो।
टैटू करवाया, फिर यूवी प्रोजेक्शन पे भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो यूवी यहाँ पर आता है, तो जहाँ पर भी आपको लगाना होगा आप यहाँ से भी ऐसे लगा सकते हो। यूवी प्रोजेक्शन का फायदा ये होता है, ऐसा कुछ थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर ट्राई प्लेनर रहता है, पूरा बॉक्स आता है उसके ऊपर, रिपीट हो रहा है देखो, फिर रिपीटेशन भी बंद कर सकते हो। यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड दिया हुआ है, टाइलिंग वगैरह कम कर सकते हो। तो प्लेनर प्रोजेक्शन भी है, तो एक बॉक्स की तरह वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको। वार्प प्रोजेक्शन से इतना कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, तो यूवी प्रोजेक्शन ही ऑन रखो। और जहाँ जहाँ पर आपको लगाना है उस हिसाब से लगा लो, और पूरा डिटेल नहीं दिखाना है तो थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो, जो कि कलर के साथ मैच हो। नॉर्मली देख दो हाँ, तो ये वाला है हमारा हाइट मैप, तो इसको ऊपर लेकर आऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और यही है ना कि नहीं, यही है, एक्स दबाता हूँ, साइज कम, ये, हाँ यही है, इसकी जो डेप्थ है थोड़ी सी और अंदर, और फिर साइज थोड़ी कम करके, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि जब चाहूँ मैं डेप्थ उसकी चेक कर सकता हूँ। तो पहले हम ऐसे कुछ कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है। ये लगाना है दिन माथे पे, हाँ की जगह पे दिन लगाओ। पैटर्न अरे कपड़ा पहना निंजा स्ट्रॉन्ग पावर रेंजर किस मुर्गा लग रहा है पावर पावर रेंजर्स। रेंजर का मेगा जेड हो इसका यही प्रॉब्लम होता है कि जैसा आपका यूवी होगा उस हिसाब से आएगा, तो ये वाला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, फिल वाला भी नहीं। वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे का पक्षी है ये, टाइलिंग कम करता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक ऑप्शन रहता है हमारे पास रिपीटेशन का, नहीं ओके क्रॉप्ड शेप, आदत है ना स्केल के लिए टाइलिंग का भी। टाइलिंग से तो बढ़ते ही रहेगा। नहीं, इससे भी थोड़ा सा गलत ही हो रहा है। कुछ और चूज करेंगे, प्लेनर प्रोजेक्शन है ना अपने पास, और इसकी जो टाइलिंग है वो बढ़ाएंगे जिससे कि उसकी साइज छोटी होगी। हाई पे कर हाई पे हाई थाई पे लगाना,
निकेला निकेला सिंह। सिंह। भाई तेरे को ये इतना प्रॉपर अच्छा है नहीं शायद, निकले ड्रैग एंड ड्रॉप करा से। डिलीट कर रहा हूँ मैं ये, ऐसे रख के ड्रैग करेंगे। बेस कलर एंड यहाँ से रोटेशन। ऐसा कुछ पंछी के ऊपर पंछी का टैटू बना ले। पंछी ऐसा नहीं है कुछ। ठीक फिर वापस मैं आऊंगा उसका यहाँ पर, हाँ कलर ही है ये। फिर उसका जो कलर है वो थोड़ा और डार्क करूँगा, साइज थोड़ी और कम करूँगा, और फिर जहाँ जहाँ पर आपको थोड़ा डार्क पार्ट चाहिए वहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो देखोगे थोड़ा डेप्थ आ जाता है। और ये मैं मेरे पोर्टफोलियो में डालेगा, सेव करता हूँ। स्वॉर्ड की जगह पर आ गया वो जो भी चल रहे हैं हार्ट ब्रोकन। तो ऐसा कुछ है। तो इसी के साथ हमारा क्रीचर का पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माया के एसेट को ZBrush में कैसे लाएंगे और उसे कैसे वापस बनाएंगे, वापस रिटोपो करेंगे, वापस ZBrush में लेकर आएंगे, और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। फिर ये दो लेक्चर होंगे शायद से ज्यादा वह जरा अपन माया से।